नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नावा सिटी उपखंड मुख्यालय स्थित वार्ड संख्या 5 में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने एकत्रित होकर उपखंड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट व जलदाय विभाग पहुंचकर अपनी समस्या से अवगत करवाते हुए ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार वार्ड पार्षद किरण देवी छापोला व पूर्व पार्षद मैना देवी फुलवरिया के नेतृत्व में पानी की समस्या को लेकर वार्ड संख्या 5 की महिलाओं ने एकत्रित होकर पहले जलदाय विभाग पहुंचकर अपनी समस्या से अवगत करवाते हुए ज्ञापन दिया और शीघ्र समस्या के समाधान करवाने की पुरजोर मांग की। झुंझुनू के नेहरू मार्केट में कन्या पाठशाला के समीप स्थित जगनानियों की हवेली में चोरी की वारदात हुई। इस मामले में पीड़ित परिवार के सदस्य हरीश जगनानी ने कोतवाली में लिखित रिपोर्ट दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मौका मुआयना किया। हरीश जगनानी ने बताया कि उनकी पुश्तैनी हवेली है जहां पर फिलहाल कोई नहीं रहता, लेकिन वह 15 से 20 दिनों से इस हवेली को संभालता रहता है। आज जब उसने जाकर देखा तो सभी कमरों के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ था। एक अलमारी और 3 पेटियों के भी ताले टूटे हुए मिले। हवेली में रखे पुराने कीमती बर्तनों के अलावा काफी सामान गायब मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के बस्सी में छप्पर पोस्ट में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते भीषण रूप धारण कर लिया। वहीं आग की सूचना दमकल को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया। आगजनी की घटना में 1 गाय 2 भैंस व 3 बकरियां जिंदा जल गई, साथ ही 5 भैंस 3 गाय व 10 बकरियां गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के बाद पीड़ित किसान राम खिलाड़ी मीणा व उनके परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। सब कुछ जलगा, जानवर भैंसियां गायें बकरियां अनाज और टूड़ा रहने सहने के कपड़े लगते। अब इसके पास 1-2 वक्त की रोटी का सामान भी नहीं बचा है, तो आज के प्रशासन कृपा करके इसकी मदद करें। झुंझुनू में छात्र संगठन SFI ने सेना भर्ती रैली शुरू करने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर संभागीय भर्ती कार्यालय जयपुर के नाम ज्ञापन सौंपा। SFI के जिला महासचिव सचिन चोपड़ा ने बताया कि जिला कलेक्टर को संभागीय भर्ती कार्यालय के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई कि पिछले लगभग 2 सालों से सेना भर्ती रैली नहीं हुई है, इसलिए जल्द से जल्द सेना भर्ती रैली करवाई जाए और कई युवा जो ओवर एज हो गए हैं इसलिए सेना भर्ती रैली में 2 वर्ष की छूट दी जाए और सेना भर्ती में पद बढ़ाकर जल्द से जल्द सेना भर्ती रैली आयोजित की जाए। आज छात्र संगठन SFI ने अखिल भारतीय आह्वान पर जिला कलेक्टर पर विरोध प्रदर्शन कर और संभागीय जो भर्ती कार्यालय जयपुर उनको ज्ञापन भेजा, जिसमें ये मांग की गई है कि पिछले लगातार 2 सालों से जो आर्मी की भर्ती नहीं हो रही है, बहुत से युवा ऐसे हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो ओवर एज हो चुके हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी आर्मी की भर्ती रैली है वो आयोजित झुंझुनू की करवाई जाए। इसके साथ ही जो ओवर एज युवा हो गए हैं उनके लिए 2 वर्ष की छूट दी जाए और जब 2 वर्ष से ये भर्ती नहीं हुई है तो इसमें पदों की भी बढ़ोतरी करके और ये भर्ती करवाई जाए। झुंझुनू के नवलगढ़ में अलायंस क्लब नवलगढ़ लार्ड कृष्णा द्वारा जिला अंधता निवारण समिति झुंझुनू के सहयोग से निशुल्क नेत्र चिकित्सा का 181वां शिविर आयोजित किया गया। चिकित्सा शिविर में 502 रोगियों को चिकित्सकों की टीम ने परामर्श दिया। वहीं इनमें से 107 रोगियों का ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। चयनित रोगियों का मोतियाबिंद के ऑपरेशन डॉक्टर अविनाश व उनकी टीम द्वारा किए जा रहे हैं। शिविर का उद्घाटन जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष 22 सरपंच तारा पुनिया ने किया। अध्यक्षता मल्टीपल चेयरमैन मोहनलाल चुड़ीवाल ने की। शिविर में 92 रोगियों को जो पिछले माह ऑपरेशन हुए थे उनको सफेद चश्मे दिए गए। 81वां कैंप है, डॉक्टर बिमलेश आई केयर रिलीफ सोसाइटी अलायंस क्लब लोड करसना जिला अंत निवारण समिति व शारदा क्रॉप केम लिमिटेड कंपनी द्वारा संचालित कैंप है और निःशुल्क है। इसमें खाना दवाई पानी ऑपरेशन सब नाश्ता सब फ्री मिलता है। 2 दिन हम रखते हैं इनको। आज करीब 400 लोग नए आए हैं, 100 लोग पुराने आए हैं, करीब 500 लोग आज आए हैं। इनमें से 90-100 छांटेंगे हम, क्योंकि 1 दिन में लॉर्ड साहब इतने ही ऑपरेशन कर सकते हैं। इनको जंगल हॉस्पिटल में जो राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित थिएटर है उसी में ऑपरेशन हो सकता है। वहाँ ऑपरेशन होंगे, 3 बजे बाद ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, रात पर चलेंगे, जब ख़त्म हो जाएंगे तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके चले जाएंगे। हम लोग करीब 181 कैंप में करीब 27,000 ऑपरेशन निःशुल्क कर चुके हैं। झुंझुनू के लोयल गांव के रहने वाले BSF के जवान सुनील काजला का गत दिनों हार्ट अटैक से निधन हो गया।
जिन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, तो पूरा गांव अपने लाडले के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। सांसद नरेंद्र कुमार ने खुद गांव पहुंचकर जवान की अर्थी को कांधा दिया, वहीं श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा भाजपा नेता इंजीनियर धर्मपाल समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने भी अपनी श्रद्धांजलि दी। शव यात्रा में पूर्व खेतड़ी विधायक पूर्णमल सैनी सहित हजारों ग्रामीण सम्मिलित हुए, जिन्होंने पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुखाग्नि उनके बेटे अमन काजला ने दी। झालावाड़ जिले के मनोर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान सेमली खुर्द जोड़ से सेमली खुर्द निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर दो प्लास्टिक के कट्टों में से 15 किलो 900 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद कर एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी नंदकिशोर वर्मा ने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम सेमली खुर्द निवासी मन्नालाल तंवर बताया। उसके पास से प्लास्टिक के कट्टे की तलाशी लेने पर उसमें अवैध डोडा चूरा पाया गया। वहीं पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अनूपगढ़ में सीआईडी ने अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह को पकड़ा है। ये तस्कर पाकिस्तान से हीरोइन की तस्करी करते थे। जानकारी के अनुसार 5 माह में लगभग 35 किलो हीरोइन की तस्करी हुई है और ड्रोन से पाकिस्तान से हीरोइन मंगवाई जाती थी। मुखबिर की सूचना से साक्ष्य जुटने पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास में एक सीआईडी सीबी जोन से एक इन्फॉर्मेशन आई कि कुछ पाकिस्तान बॉर्डर के पास में हमारे यहाँ के अनूपगढ़ के कुछ लोग जो पाकिस्तान से जिनसे तस्करी के संबंध में लिप्त हैं, इस संबंध में ये जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ के लोगों का पंजाब से संबंध है और पंजाब के लोगों का पाकिस्तान से संपर्क होकर के यहाँ पे कुछ एनडीपीसी की जैसे हीरोइन तस्करी वगैरह ऐसी को यहाँ डालते हैं और यहाँ से फिर वापस इनके थ्रू पंजाब में सप्लाई करते हैं। इस प्रकार की सूचना पर हमने एसएचओ अनुपगढ़ फुलचंद जी और सीआईडीसीबी के राय सिंह जी और मेरे पूरे स्टाफ और सबने वहाँ तलाशी अभियान चलाया, तो इस बात से ज्ञात हुआ कि इन लोगों ने पिछले काफी 2-3 माह से ये लोग धंधा शुरू कर दिया था इन लोगों ने और 3-4 बार डिलीवरी भी दे दी थी। एक डिलीवरी इनके यहाँ पे बीच में गुम हो गई थी, जिस पर हमारे को शक था कि खेतों में वो माल कहीं गिरा हुआ हो सकता है। इस पर पूरे खेतों की तलाशी ली गई लेकिन खेतों में तलाशी से नहीं मिला, लेकिन वहां पे फिर इसी एक अनुसंधान से इस प्रकार की जानकारी जुटाने पर एक बात आई कि वहां के जो खेतों में गिरा था उस खेत के व्यक्ति ने उसको मिलने पर उसने उसको जो हीरोइन थी उसको उठा करके पानी में घोल करके अपने कुंडी में डाल दिया था, जो गट्टर वाली कुंडी में डाल दिया था। इस पर हमारे सही साहब ने उसको गट्टर को खुदवाया, खुदवा करके उसमें से सैंपल लिए और सैंपल के साथ में हमारी एक किट आता है, इस किट से भी जब हमने पता किया तो उसमें उसकी हीरोइन की मात्रा आ रही थी, ब्राउन शुगर की मात्रा आ रही थी। इस पर इन सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 लोग हमारे जो बॉर्डर के तस्करी में लिप्त है उनको किया गया और 3 लोग पंजाब के नामजद उनको नामजद किया गया, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा, उनके लिए टीम भेजी जाएगी। और इसके साथ ही जिन लोगों ने इसको नष्ट करने का प्रयास किया उनको भी हमने इस मामले में गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही अग्रिम अनुसंधान जारी है। डिजिटल लिटरेसी को लेकर राजस्थान में नई मुहिम शुरू की जा रही है। एक्सपे लाइफ की ओर से राजस्थान के ग्रामीण एरिया में ये मुहिम चलाई जाएगी। सीईओ रोहित कुमार और सीओओ दीपक अनंत ने बताया कि राजस्थान से उनको बड़ी उम्मीद है। एक्सपे लाइफ से सभी तरह के भुगतान किए जा सकते हैं, साथ ही ग्राहकों को डिजिटाइज करने का विकल्प देता है। उनकी सेवाएं बैंक ऑन व्हील्स के माध्यम से ग्राहक के दरवाजे तक पहुंचेंगी। पिंक सिटी प्रेस क्लब में जानकारी देते हुए बताया कि बिजली बिल, मोबाइल चार्ज से लेकर सभी तरह की सुविधाएं उनकी ओर से दी जा रही है। राजस्थान में हमारा जो टेस्टिंग हुआ, जो पायलट टेस्टिंग हुआ जालौर डीसीसीबी के साथ हुआ, वहाँ पे अगर आप सिर्फ बीवीपीएस ट्रांजैक्शन के बात करेंगे तो मेरे हिसाब से कंट्री में सेकंड या थर्ड हाईएस्ट ट्रांजैक्शन लेवल पे आज के दिन पे चल रहा है। इसके अलावा हम डीसीसीबीज, आरआरबीज राजस्थान में के साथ ऐसे बात कर रहे हैं कि हम लोग उनका बैंक के ब्रांचेस को कैसे डिजिटाइज करें। जैसे आपका हुआ सेल्फ सर्विस कियोस्क, जहाँ पे आपका पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क से लेके आपका चेक डिपॉजिट कियोस्क, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल, सारे के सारे को एक इनोवेटिव तरीके से, एक सिंप्लीफाइड तरीके से, ताकि आप आपके कस्टमर्स, आपके कंज्यूमर्स जो गांव से आते हैं, बहुत आसानी से, बहुत सेफली, बहुत सिक्योरली यूज कर पाए। इसका मेन एग्जाम्पल जो हम देना चाहते हैं वो है हमारा मोबाइल वैन, जो राजस्थान के लिए बहुत मायने रखेगा क्योंकि सोलर पावर के थ्रू ये रन होता है। उसका इंटरनल्स कम्प्लीटली एसी ड्रिवन है, उसके एटीपी, उसका माइक्रो एटीएम्स वगैरह सारे के सारे चीज़ बिना कोई ईंधन का, बिना कोई डीजल पेट्रोल का, सोलर पावर और यूपीएस के थ्रू चलता है, क्लीन एनर्जी के ऊपर चलता है। इंडिया के डिजिटल इंडिया मूव के तहत राजस्थान में हमारी कंपनी का सोल्यूशन है जो डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, साथ साथ में डिजिटल ट्रांजेक्शन
को बढ़ावा देना या कस्टमर को जागरूक करने का अभियान हम लोग चालू कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हम जालोर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ पायलट टेस्टिंग चालू हो चुका है। आज हमारा यहाँ पे आके मीडिया से रूबरू होके ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ये हमारे पास अब आज के आने वाले समय में कस्टमर को बैंक या बिजली विभाग या किसी भी बिलर काउंटर पे जाने का जरूरत नहीं है। हमारे सॉल्यूशन को यूज करके कस्टमर के डोर स्टेप पे हम जाएंगे और जितने भी सरकार की योजनाएं हैं डिजिटल इंडिया के और जो फाइनेंशियल लिटरेसी डिजिटल लिटरेसी वो सारी योजनाओं को हम पहुंचाएंगे। साथ में कस्टमर अपना यूटिलिटी बिल में एलपीजी बुकिंग हो या डीटीएच हो, प्रीपेड हो, पोस्टपेड हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वो बिल भुगतान के अलावा बैंकिंग की सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। सवाई माधोपुर में जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य सरकार के कार्यों का भी बखान किया गया। मौके पर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला, उप जिला कलेक्टर कपिल शर्मा और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शिवचरण बैरवा भी मौजूद रहे। ये सभी उच्च अधिकारी मौजूद थे और जिस तरीका से सरकार का विजन है और जिस तरीका से अभी इस बजट जो हमारा 22-23 का आया है उसमें एक तरह से राजस्थान में एक इतिहास दर्ज हुआ है और खासकर जो ओपीएस सिस्टम लागू किया है बहुत ही ऐतिहासिक कदम राजस्थान की सरकार ने लिया है, जिससे तमाम जो हमारे नौजवान साथी हैं जो 2004 के बाद पेंशन से वंचित रह गए थे उनको तमाम लोगों को जिस तरीका से पेंशन मिलेगी तो उनके परिवारों को एक अच्छा सिंबल मिलेगा। उस योजना की पूरे भारत में पूरे हिंदुस्तान में वाहवाही हो रही है और जो तमाम जो सरकारें हैं स्टेट की वो सब लोग ये कह रहे हैं अभी कि भाई इस योजना को हम लोग भी क्रियान्वित करें, उन पर दबाव बढ़ गया है और निश्चित तौर पर अन्य सरकारें भी इनको करेंगी। उसके बाद तमाम जो सेक्टर हैं जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जैसी घोषणा करके जिसकी इलाज के लिए 10 लाख रुपए कर दिए मुफ्त इलाज, और मुफ्त इलाज गरीब को जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाता था प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अब इलाज होगा, एक ऐतिहासिक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, इससे बहुत चीजें लाभान्वित होंगे। और उसके उपरांत उस चिरंजीवी योजना कार्ड की मुखिया महिला को बनाया है जिसमें महिला जो मुखिया बनेगी उसको राजस्थान की सरकार एक स्मार्टफोन देगी, 1,33,00,000 हम पूरे राजस्थान में ये फोन वितरण करेंगे। पानी के क्षेत्र के अंदर जिस तरीका से हम लोग जेजेएम का काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर समय अवधि के तहत हमारा पूर्ण काम हो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर तमाम जो हमारे ट्रॉमा सेंटर हैं, CHC हैं, PHC हैं, तमाम अभी CHO की जो भर्ती हुई है तो एक ऐतिहासिक कदम लिए हैं। PWD विभाग के अंदर भी कम से कम 8,500 करोड़ की सड़कें हम लोगों ने स्वीकृत की हैं और यहाँ पर सवाई माधोपुर के जिले के अंदर भी हमने कई करोड़ की सड़कें स्वीकृत की हैं। तो सड़कों के क्षेत्र में भी हम चाहते हैं कि कहीं किसी तरह की कमी ना रहे और उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए हम लोगों ने समय अवधि भी कम कर दी और उसकी क्वालिटी का हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी तमाम कॉलेजेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने खोले हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, महिला महाविद्यालय हैं। ऐतिहासिक कदम जिस तरीका से राजस्थान की सरकार ने लिए हैं एक बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है। और खबरों में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए TPV News। नमस्कार।